अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो अदनान cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम जुबैर अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपनी टेक्स्ट फाइल्स में डाटा को रीड कैसे कर सकते हैं और टेक्स्ट फाइल में से राइट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि रीडिंग का हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले ही देख चुके हैं, जैसे कि मैंने ये सिंपल प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसको रीड मोड में ओपन किया हुआ है, और अब हम इसको सेव करके अगर रन करेंगे तो हमारे पास सिंपल हमारे पास जो टेक्स्ट था वो लिखा हुआ आ जाएगा, जो भी हमारे पास हमारे lines.txt फाइल में वैल्यू पड़ी हुई थी वो आ जाएगी। लेकिन अब हम देखेंगे कि हम इसमें डेटा को राइट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। जैसे इन फाइल, हम फाइल को रीडिंग मोड में ओपन कर रहे हैं। इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं आउट फाइल। आउट फाइल के ऑब्जेक्ट को हम एक फाइल को ओपन कर रहे हैं। हम इस फाइल का नाम रख लेते हैं कि ये न्यू फाइल है जो कि उसी वक्त ही क्रिएट हो जाएगी, .txt फाइल है, और उसको हम खोल रहे हैं राइटिंग मोड में। ठीक है, और यहाँ पर हमें सिंपल चेंजिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हम फाइल में से जो रीड कर रहे हैं वो इन फाइल है। हम अपनी इन फाइल में से रीड कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें जो मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी वो होगी कि फाइल इज इक्वल टू आउट फाइल। चूँकि हम आउट फाइल में राइट करवा रहे होंगे, इस वजह से हम यहाँ पर इसको आउट फाइल लिखेंगे। तो हम यहाँ पर इसको जब हम इसको रन करेंगे इस प्रोग्राम को, तो हमारे पास कंसोल में यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा फाइल का, बल्कि हमारे पास जो है वो आउट फाइल में वैल्यूज अपियर हो जाएंगी। हम सिंपल इसके लिए कि हमारे पास जो सारा काम होने के बाद जो हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए वो हम एक डन प्रिंट करवा देते हैं, कि सारा काम करने के बाद हमारे पास स्क्रीन पर कंसोल स्क्रीन पर डन अपियर हो जाए। तो हम ज़रा इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास जो न्यू फाइल क्रिएट होगी उस फाइल में हमारे पास तमाम डेटा आ जाएगा या नहीं। तो ठीक है, अब मैं इसको ज़रा सेव करके रन करती हूँ और फिर हम इसको ज़रा चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास, देखिए हमारे पास डन अपीयर हो गया है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो न्यू की फाइल है उसमें भी हमारे पास तमाम डेटा आ जाना चाहिए। ओके ठीक है, न्यू की फाइल यहाँ पर हमारे पास अभी नहीं बनी है। हम ज़रा इसको फ़ौरन से अभी यहाँ पर एक और फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद उस न्यू फाइल का टेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास तमाम डेटा, हमारी न्यू जो क्रिएट हुई फाइल है उसमें अपीयर हो गया है या नहीं अपीयर हुआ है। तो ठीक है, इस तरह से हम अपनी फाइल्स में रीड भी डाटा को करवा सकते हैं और राइट भी करवा सकते हैं। अब हमारा ये जो तमाम टेक्स्ट है जो हमें हमारे पास पहले न्यू लाइन में लिखा हुआ आ रहा था, अब वो तमाम टेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक न्यू फाइल में लिखा हुआ होगा जो न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी होगी। तो इस तरह से हम टेक्स्ट फाइल में डाटा को रीड भी करवा सकते हैं और राइट भी करवा सकते हैं।